बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर लेक्चर, अनदर सेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेटे एक इंग्लिश कहावत है, कहते हैं कि इफ़ प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान नॉट द गोल। कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई मकसद डिफ़ाइन किया हुआ है और उसके लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो प्लानिंग काम नहीं कर रही, तो बेटा प्लान अपना चेंज करें। आपने अपना मकसद चेंज नहीं करना, जिस मकसद के पीछे भाग रहे हैं उसको अचीव करके छोड़ना है। इसी बात के साथ हम अकाउंटिंग का लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा आज जो हम अकाउंटिंग का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगी, आज का लेक्चर पिछले लेक्चर और आने वाले तमाम लेक्चर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बिकॉज आज जो हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और आप समझिए कि ये हमारे पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे। ये वो पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स बिल्डिंग्स की बुनियादें होती हैं, आप समझें, इसी पे हमने अपनी बिल्डिंग्स को खड़ा करना होता है। तो ये भी हमारे पास अकाउंटिंग की बुनियादें हैं जिस पर हमने अपनी अकाउंटिंग को बिल्डअप करना है। हम ये जो फाइव टर्मिनोलॉजीज हैं बेटे, इन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग हेड्स। तो हमारे पास पांच टर्मिनोलॉजीज हैं, ये पांच अकाउंटिंग हेड्स हैं। बेटे मैं फिर आपको ये बात बार बार करवा रहा हूँ, ये बात आपको समझा रहा हूँ कि इसके बगैर अकाउंटिंग में आगे जाना नामुमकिन है। अगर ये बातें नहीं समझ आई तो अकाउंटिंग पर इन्ना लिल्लाह पढ़ दीजिएगा आप, फिर अकाउंटिंग नहीं समझ आने वाली। लेकिन आज का लेक्चर इंशाल्लाह बेटे आपको ऐसे डिलीवर किया जाएगा कि आपको सारी बातें आसान लगें। ये फाइव थिंग्स आपको आसान लगे, ये पाँच चीज़ें आपको आसान लगें। ये पाँच चीज़ें मैं इधर नाम लिखता हूं। द वेरी फर्स्ट इज एसेट, द सेकंड वन इज एक्सपेंसेस, थर्ड वन इनकम और रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं इनकम, फोर्थ वन इज कैपिटल और समटाइम्स कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, एंड फिफ्थ वन इज लायबिलिटी। बेटे ये पांच हमारे अकाउंटिंग हेड्स हैं। आप ये बात समझ लें कि ये हमारे पांच अकाउंटिंग के पिलर्स हैं जिस पर हमने पूरी अकाउंटिंग की बुनियादें, अकाउंटिंग की आगे बिल्डिंग खड़ी करनी है। बेटे वेरी फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं, दैट वन इज एसेट्स। एसेट्स आपके लिए सुना हुआ लफ्ज है। अगर पिछला आप अकाउंटिंग का लेक्चर अपने दिमाग में लेकर आए, उसे रिकॉल करें, तो उस वक्त हमने कहा था डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। और मैंने आपको बताया था कि एसेट से मुराद हमारे पास कार है, वैन है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास मशीनरी है, फोटोकॉपियर्स है, कंप्यूटर्स है, ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए एसेट्स हैं। तो आज हम जो डिफाइन करना चाहेंगे इसको सिंपल वे में डिफाइन करेंगे, बाद में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको बिल्कुल एक सिंपल वे से लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा एक बात बेटे, अपने पास नोटबुक्स ओपन कर लें, अपनी कॉपीज ओपन कर लें, वीडियो को बीच में पॉज करते रहें और चीज़ें नोट करते जाएं। मैंने चीज़ें कॉलम वाइज नोट करूंगा, आपने कॉलम वाइज नोट नहीं करनी, आप जस्ट एक सीक्वेंस से नोट करें, पहले एसेट्स फिर एक्सपेंस। मेरे पास चूंकि वाइट बोर्ड होता है इसलिए मैं कॉलम्स यूज करूंगा। तो वेरी फर्स्ट इज एसेट्स। बेटा हमने कहा व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स आर दोज थिंग्स, एसेट्स वो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें मुस्तकबिल में फायदा देते हैं, जो हमें इन फ्यूचर फायदा देते हैं। एसेट्स आर दोज थिंग्स विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर से वीडियो याद आ गई होगी आपको, फटूरे और नटूरे वाली, ठीक है? तो इट इज नॉट फटूरे, इट इज फ्यूचर। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये डेफिनेशन याद करना इतनी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसको समझना है। अब एक ये लिस्ट मैं बनाऊंगा कि कौन सी चीजें एसेट्स के अंडर आती हैं। तो बेटे पहली जो मैं आपको लिस्ट बनाने जा रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं बेटे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स। फिक्स्चर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्चर। इसके अलावा आपके पास बेटा कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर्स, वैन, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल। और अगर हम किसी ऐसे बिजनेस की बात करें कि जिनके पास माल मवेशी भी हो, यानी कैटल्स भी हो, जैसे हॉर्सेस हो गए, काउज हो गई, गाय भैंसे हो गई, तो ये सब की सब चीज़ें भी उनके लिए एसेट्स हैं। तो ये एक टिपिकल लिस्ट है जो आपको याद रखनी है एसेट्स की। अच्छा मैं हमेशा थोड़ी सी स्पेस देकर एक नई लिस्ट बनाता हूँ बेटे, वो नई लिस्ट मैं चेंज मार्कर से भी लिख रहा हूँ, वो है हम कहते हैं कि कैश भी हमारे लिए एसेट है। अब आप सोच रहे होंगे कैश कैसे एसेट है,
इन चीज़ों की तो समझ आ रही है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है इससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा देते रहना है। देखिए, आप जिस बिल्डिंग में अभी बैठे हुए हैं या मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग में इस वक्त ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो यहाँ से जाने के बाद ये बिल्डिंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना। फिलहाल ये एक्सपेक्टेशन है कि ये आगे 10 साल 15 साल या 50 साल हमें फ़ायदा देती रहेगी। तो ऐसी चीज़ को हमने एसेट्स बोल दिया। इसी तरीके से प्लांट या जो मशीनरी है आपके पास, जो मशीनरी भी होती है बेटा, ये कोई एक दिन के लिए नहीं होती, एक साल के लिए नहीं होती, नॉर्मली ये एक लंबे अरसे के लिए होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी हमें एक लंबा अरसा बेनिफिट देते हैं। इसी तरीके से कैश ने भी हमें फ्यूचर में फ़ायदा देना है। इसके अलावा एक और चीज़ बेटा, दैट इज़ डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स, आपको याद आ गए होंगे बेटा, ये भी हमारे लिए एसेट है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये कैसे एसेट हो गए? भाई आपने डेटर से क्या चीज़ लेनी है? पैसा, कैश। डेटर कौन था? डेटर वो शख्स था जिसे मैंने उधार पे चीज़ें दी थी, यानी मैंने उसे पैसे वापस अभी लेने हैं, पैसे लिए नहीं है, यानी मैंने उसे फ़ायदा भी लेना है। इसलिए डेटर्स भी मेरे किस कैटेगरी में आएगा? एसेट्स की कैटेगरीज में आएगा। ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है बेटा, मेमोराइज करना है आपने इन चीज़ों को। इसके अलावा स्टॉक, तो ये टिपिकल एक लिस्ट है। तो बेटे आपको मैं वीडियो लिंक के अंदर, आप देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखें, तो मैंने कुछ नोट्स का लिंक दिया होगा आपको। ये जो नोट्स के अंदर ये लिस्ट मौजूद भी है, और साथ साथ ना सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है बल्कि उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो बेटे उसके अंदर जो लिस्ट मौजूद है एसेट्स की, उसमें आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा नज़र आ जाएंगी। खासकर ये जो नीचे वाली लिस्ट है, ये बड़ी लिस्ट है। फिलहाल मैं उस पूरी लिस्ट को इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा, उसमें से कुछ ऐसे अल्फाज है जो आपको इटैलिक यानी टेढ़े होके नज़र आ रहे होंगे, इटैलिक फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे, तो वो वाली चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। वो जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़े से मजीद बड़े होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो नोट्स होंगे ये इंग्लिश में भी लिखे हैं, आसान सी जबान में लिखे हैं, साथ साथ उर्दू में भी लिखे हुए हैं। हिंदी मुझे आती नहीं है इसलिए मुझे वो मैं लिख नहीं सका उसमें, लेकिन समझ तो आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको होप सो समझ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर ये भी चार पांच चीज़ें मौजूद हैं और ये भी तीन आपने चीज़ें लिख दी हैं, आपने ये अलग अलग क्यों लिखी हैं? क्या इनमें कोई फ़र्क है? यस श्योर है। ये जो ऊपर वाली लिस्ट है, अभी सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा कि इन्हें हम फिक्स एसेट कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। दीज आर बेटा फिक्स्ड एसेट्स। ये कौन से एसेट्स हो गए? फिक्स्ड। और ये वाले कौन से कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं करंट एसेट। क्यों कहते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। हम नेक्स्ट लिस्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस, इखराजात। एसेट्स को वैसे उर्दू में कहते हैं असासाजात। ये लफ्ज आपने वैसे भी सुना होगा, असासाजात। आपने ये लफ्ज टीवी पर अक्सर सुनते होंगे कि फलाने पॉलिटिशियन ने अपने असासाजात डिक्लेयर नहीं किए। तो असासाजात मींस उसने अपने एसेट्स सारे के सारे डिक्लेयर नहीं किए। चले आते हैं वापस एक्सपेंसेस की तरफ बेटा। व्हाट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस मीन इखराजात। इस लफ्ज से आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। एक्सपेंसेस बेटे आपको अपनी डेली रूटीन गुजारने के लिए, रोजाना रोजमर्रा जरूरियात के लिए कुछ इखराजात करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो आप अगर बाइक पर हैं तो पेट्रोल लगेगा, टैक्सी पे जा रहे हैं तो किराया लगेगा, और अगर आप कॉलेज के अंदर चले जाते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज, आपको भूख लगती है तो आप ब्रेक टाइम जाते हैं अपनी कैंटीन से कोई ना कोई समोसा बर्गर चाट वगैरह खा लेते हैं, और मुँह में पानी भी आ गया होगा आप लोगों के, लेकिन बहरहाल। इसके अलावा आप फ्रेंड्स में होते हैं, डिफरेंट आप दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला मचाते हैं तो एक्सपेंस कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, और इसी तरीके से बेटा आप कपड़े पहनते हैं, माशाल्लाह आप बड़े फैशनेबल बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो ये फैशन जो आप कर रहे होते हैं इस पे ये भी आपका खर्चा और है। फिर आप खाना खाते हैं, आपके घर में बिजली लग रही है, ये सब के सब क्या चीज़ें? ये हमारे अखराजात हैं। क्यों? ये हमने अपनी डेली रूटीन सेट की हुई है कि ये जो हमने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये खर्चे करने पड़ते हैं, और इसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसी तरीके से बेटा कारोबार में जहाँ पर एसेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग का होना ज़रूरी है, प्लांट एंड मशीनरी का होना ज़रूरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर कुछ साथ साथ मजीद खर्चे करने पड़ते हैं ताकि कारोबार डेली बेसिस पे चलता रहे। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन करूंगा बेटा, कॉस्ट इनकर्ड इन ऑर्डर टू मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। कॉस्ट इनकर, आपने पैसे लगा दिए, खर्चा कर दिए, क्या
इन ऑर्डर टू मीट, ताकि पूरा किया जा सके. क्या चीज? डेली रिक्वायरमेंट, रोजमर्रा की जरूरियात. किस चीज की बेटा? हम चूंकि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की जरूरियात की बात करेंगे, पर्सनल जरूरियात की बात नहीं करेंगे. जिस तरह मैंने आपको एसेट्स में कहा, ये लिस्ट लाजमी याद रखनी है कि ये तमाम की तमाम चीजें एसेट्स के अंदर फॉल करती हैं, तो बेटा ये भी लिस्ट आपने लाजमी याद रखनी है. अब बिजनेस में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है, दैट इज नोन एज परचेजेस. रिकॉल करें, परचेजेस का लफ्ज आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए जो पहले 3-4 लेक्चर्स थे उसमें हमने बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज पर इसलिए जोर दिया हुआ था क्योंकि वही टर्मिनोलॉजीज आके इधर मर्ज होने जा रही थी. परचेजेस हमने कहा था कि गुड्स का खरीदना, बाइंग ऑफ गुड्स. गुड्स क्या थी? जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं. सपोज करें मेरा मार्कर्स का कारोबार है, तो मेरे लिए मार्कर गुड्स और मार्कर का खरीदना परचेजेस. अगर मैं अपनी शॉप के लिए फैन खरीदता हूं तो फैन मेरे लिए गुड्स नहीं है और फिर परचेजेस भी नहीं होगा. होप सो ये बात आपको याद आ गई होगी. इसी तरीके से अगर आपके पास स्टाफ है तो सैलरीज, और अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो वेजेस, दिहाड़ी जिसे आप कहते हैं, पर डे. सैलरी पर मंथ होती है, वेजेस पर डे होती है. इसी तरीके से अगर आपके पास अपनी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है तो बेटा आपको मजबूरन किराया देना पड़ेगा बिल्डिंग का. किराए पे आपने कोई दुकान ली होगी, कोई बिल्डिंग एक्वायर की होगी. इसी तरीके से आपको बेटा बिल्स देने हैं, यूटिलिटी बिल्स. फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल. इसी तरीके से बेटा कुछ टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ अदर ड्यूटीज होती हैं, जैसे ऑक्ट्रा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी. ड्यूटी क्या होती है? फिलहाल आप इसको बेटा टैक्स ही समझे, गवर्नमेंट्स के टैक्स ही होते हैं. डिफरेंट नेम्स हैं हमने इसके रखे हुए, फिर कभी टाइम मिला तो इसको डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंट टैक्सेस में क्या फर्क होता है. इसके अलावा बेटा कमीशन, इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट पे किया आपने. मैं इनके साथ पेड का लफ्ज लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहे. तो ये एक लिस्ट है. अच्छा, इसमें भी मैं 2-3 ऐसे एक्सपेंस है जिनको डिफरेंट मार्कर से लिख के दे रहा हूँ आपको. वेरी फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन याद आ गया बेटा? हमारे पास ये जो एसेट्स होते हैं ये पूरी जिंदगी के लिए तो रहने नहीं है, इनकी वैल्यू में कमी आती रहती है और आखिरकार इनकी लाइफ का एंड हो जाता है. तो ये कमी जो होती है हम इसे अपना एक्सपेंस मान रहे होते हैं. तो डेप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंस. इसके अलावा बेटा डिस्काउंट अलाउ एंड बैड डेट्स. ये लफ्ज आपको याद आ गया होगा. डिस्काउंट अलाउ मीन्स डिस्काउंट का देना, और बैड डेट्स मीन्स जब मेरा डेटर, मेरा अकाउंट रिसीवेबल, जिसने मेरे पैसे देने हैं वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो हम इसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स. तो ये हमारे पास एक टिपिकल लिस्ट है. किस चीज की? एक्सपेंसेस की. बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मेमोराइज करना है, इसको याद रखना है. मैं आपसे पूछूं फैन क्या चीज है, आपने मुझे बताना है सर ये एसेट है. मैं आपसे पूछूं यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं तो आपने बोलना है सर एक्सपेंस है. मैं आपको बोलूं कि डेप्रिसिएशन क्या चीज है तो आपने ये याद रखना है कि ये एक्सपेंस है. अगर ये चीजें आपको नहीं याद होंगी बेटा हम अकाउंटिंग में फर्दर मूव नहीं कर सकेंगे. सो ये हमारे पास हमारी सेकेंड लिस्ट थी ऑफ एक्सपेंसेस. अच्छा, यहां से एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि सर एक कंप्यूटर है, मैंने उस पर एक कॉस्ट लगाई तो वो मेरे लिए एसेट है. लेकिन मैंने किसी को सैलरी दे दी, किसी को वेजेस दे दिया, किराया दे दिया, बिल्स भर दिए, ये आप एक्सपेंस में डाल रहे हैं. दोनों केसेस में मेरे से पैसे जा रहे हैं, दोनों केसेस में मुझसे पैसे जा रहे हैं. तो डिफरेंस क्या आ गया एसेट और एक्सपेंस में? डिफरेंस किस चीज का आ गया? कुछ दिमाग लड़ा सकते हैं इस डिफरेंस को? बेटा मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, दैट इज आइसक्रीम. हमारी अकाउंटिंग हमें कुछ बातें समझाती हैं. सपोज करें आपने एक अदद आइसक्रीम खरीदी और आप वो आइसक्रीम, अभी तक आपने वो आइसक्रीम खाई नहीं है, तो बेटा अकाउंटिंग कहती है ये एक्सपेंस नहीं हुआ क्योंकि बेटा अभी तक आपने वो आइसक्रीम कंज्यूम नहीं की, खाई नहीं है. आप दुकानदार के पास जाके ये भी बोल सकते हो, अगर वो थोड़ा सा अच्छा दुकानदार हो, आप उसे कह भी सकते हो कि भाई मैंने आइसक्रीम नहीं लेनी, आप काइंडली इसको वापस ले लें, आप पिघला के वापस ना दे देना, अगर पानी बना के दे दो सर कि ये वापस ले लें. लेकिन जनरली ये बात आपको समझ आ गई होगी. लेकिन अगर आपने वही आइसक्रीम खा ली है, कंज्यूम कर ली है, तो बेटा अब क्या हो गया? आपने उसी कॉस्ट का यानी उसी पैसों का बेनिफिट खा लिया है, कंज्यूम कर लिया है, मजीद उस आइसक्रीम से फ़ायदा नहीं ले सकते. यानी आपने एक आइसक्रीम आज खा ली, अभी खा ली है, घंटे अभी खा ली है, 5 मिनट बाद आप फिर आइसक्रीम मुझसे डिमांड करें और मैं कहूँ जो 5 मिनट पहले ली थी वो खा के दिखा दो, वो वाली खा लो,
तो आप क्या कहेंगे, सर वो मैं खा चुका हूँ, उसका बेनिफिट ले चुका हूँ। तो यही डिफरेंस है एसेट और एक्सपेंस में। अगर आप एक चीज का बेनिफिट कंज्यूम कर लें तो बेटा वो एक्सपेंस बन जाती है। जिस तरह अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अभी आपने यूज कर लिया तो 2 घंटे बाद फिर यूज कर सकते हैं ना, इसका मतलब है फ्यूचर में अभी इसने फायदा मजीद देना है। वेरी गुड, आपको बात समझ आ रही है। लेकिन अगर आप आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम ने अभी तक आपको फायदा नहीं देना। चलें इसको यूं भी समझ लें, सपोज करें ये आपके पास एक आइसक्रीम बार है, तो अकाउंटिंग कहती है, सपोज करें आपने ये आइसक्रीम ली है 200 रुपीज की, तो अकाउंटिंग कहती है अगर आपने ये अभी तक खाई नहीं है तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका खर्चा नहीं हुआ। बेटे एग्जाम्पल के तौर पर बात समझा रहा हूँ, अब आइसक्रीम को एसेट्स की लिस्ट में ना डाल देना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने इसमें से इस 200 रुपीज में से सपोज करते हैं 50 रुपीज की आइसक्रीम खा ली, कंज्यूम कर ली, और अभी भी 150 रुपीज की आइसक्रीम आपके पास मौजूद है, तो अकाउंटिंग कहती है कि ये वाला पोर्शन इसका एक्सपेंस हो गया और ये वाला 150 वाला पोर्शन इज स्टिल एसेट। लेकिन आपने नेक्स्ट डे ये सारी की सारी आइसक्रीम खा ली है तो बेटा सारी की सारी आइसक्रीम क्या हो चुकी है, एक्सपेंस। अब आप इस आइसक्रीम में से मजीद कुछ नहीं खा सकते, आप सारा बेनिफिट ले चुके हो। तो जिस चीज में से आप बेनिफिट को खत्म कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, उसका बेनिफिट एक्सपायर कर देंगे, हम कहते हैं कि दैट इज अ एक्सपेंस। अच्छा इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूं। सपोज करें बेटा आपका कॉलेज है और मैं यहां पर एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं, दिमाग में ये बात याद रखें, आप ऑनर हैं। अगर आप ऑनर हैं तो क्या करेंगे, आप पहले मुझसे पूरा महीना काम लेंगे, यानी मुझसे बेनिफिट ले चुके होंगे, फिर आप मुझे पैसे देंगे। मेरी बात को समझे, यानी आपने मुझे पैसे कब दिए, जब आपने मुझसे फायदा ले लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या चीज है बेटे, एक्सपेंस है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर आपसे तो फ्यूचर में भी फायदा लेना है। फ्यूचर में बेटे तब फायदा लेंगे जब मैं विलिंग हूंगा अगला महीना पढ़ाने को, जब मैं अगला महीना पढ़ा चुका हूंगा तब आप मुझे पैसे दे देंगे। गॉट इट। इसी तरीके से रेंट भी क्या होता है, आप एक बिल्डिंग में एक महीना गुजार लेते हैं फिर उसका किराया देते हैं। इसी तरीके से बिल्स, आप पहले बिजली कंज्यूम कर लेते हैं, उससे फायदा ले लेते हैं, फिर उसकी पेमेंट कर देते हैं। अच्छा आपका अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, क्या सर मैं जो मोबाइल खरीदता हूँ ये भी एक्सपेंस है? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो अकाउंटिंग के नज़दीक आपका खर्चा नहीं हुआ। हालांकि हम तो दोस्तों में बड़ा कहते हैं कि सपोज करें आपने 40,000 का मोबाइल खरीदा तो हम कहते हैं बड़ा खर्चा हो गया यार, मैं तो 40,000 का मोबाइल ले लिया, मैं तो कंगाल होकर रह गया हूँ। अकाउंटिंग के नज़दीक आपका खर्चा नहीं हुआ, अकाउंटिंग के नज़दीक आपने एक एसेट देकर दूसरा एसेट ले लिया है। गॉट इट, क्लियर हुई बात ये बेटा? तो इसलिए बेटा आप एक्सपेंस की यहां पर सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट इज नोन एज एक्सपेंस, कि जो कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है दैट इज नोन एज एक्सपेंस। होप सो बेटा आपको ये दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 3 टर्मिनोलॉजीज के साथ आएंगे। बेटा इसको प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके पास आऊं तो आपको ये लेक्चर याद हो, मैं आपसे सुनूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।